हाय एवरीवन, आज हम आलू से बने बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटा कुरकुरा नाश्ते की रेसिपी लेके आए, जो 5 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। देखिए कितनी क्रिस्पी बना है। इस तरह से बना के सॉस के साथ खाइए, चाय के साथ, हरी चटनी के साथ खा सकते हो। सबको पसंद आएंगे और सब मांग मांग कर खाएंगे। अचानक मेहमान आने पर भी बना सकते हो, वो आपकी तारीफ करेंगे। अब चलिए देर की इस बात की, मज़ेदार नाश्ता को कैसे बनाना है देखते हैं। देखिए नाश्ता, हम सबसे पहले बॉयल आलू ले लिया है। 4 आलू को हम ग्रेट करके ले लेंगे। अब मैश करके भी ले सकते हो, पर कहीं घाटे नहीं होना चाहिए। करके ले लिया है। थोड़ी सी शिमला मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई, 1 प्याज, हरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ी सी चाट मसाला। वाइटिंग के लिए 2 चम्मच चावल का आटा मिलाएंगे। चावल के आटे की जगह कॉर्नफ्लोर भी मिला सकते हो। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। रसोई में बेसिक सा जो सामान होते हैं उसी से ही बना के दिखा रही हूँ आपको। बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर के सामान से ही नाश्ता बना के खा सकते हो। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा पोषण ले लेंगे। इस तरह से मुट्ठी बना लेंगे, फिर लंबाई में ले लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसान है, कोई भी नाश्ता बना सकते हैं। फिर इस तरह से शेप में ले आएंगे। देखिए इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। सभी रोल को बना के ले लिया है, अब इसको साइड में रख लेंगे। दूसरा बाउल ले लिया है, 1 कप मैदा ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेटर बना लेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे, कोई लम्स ना रहे। मिक्स कर लिया है। थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च नमक डालने से फीकी ना लगेगी। मिक्स कर लिया है, अब इसको साइड में रख लेंगे और आगे की तैयारी करते हैं। मिक्सर जार ले लिया है, 3 पीस ब्रेड ले लिया है। ब्रेड को तोड़ के डालेंगे, अब हम इनको पीस लेंगे। पीस लिया है। इसी तरह से हमें ब्रेड क्रम चाहिए, बर्तन में निकाल लेंगे। इसको साइड में रख लेंगे। अब हम बेटर को ले लेंगे, दोबारा से मिक्स करेंगे। 1 पीस रोल ले लेंगे, इस तरह से डीप करेंगे, फिर निकाल लेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स के ऊपर रखेंगे। अच्छी तरह से हम कोटिंग करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनते हैं, कितनी बढ़िया बनी है। इसी तरह से सभी को रेडी करके ले लेंगे। सभी रोल को बना के रेडी कर लिया है, अब हम गैस पे चलते हैं। पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। अब हम नाश्ता को डालेंगे। डाल दिया है, एक साइड सिकने देंगे गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके। एक साइड सिक गई है, अब हम पलट लेंगे। देखिए कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है। अब दूसरी साइड भी सेक लेंगे, फिर से पलट लेंगे। देखिए दोनों साइड ही कलर चेंज हो गई है। अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम करके अलट पलट के क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है। 5 मिनट में नाश्ता को बना के रेडी कर सकते हो। सुबह शाम की हल्की फुल्की भूख में बना सकते हो, अचानक मेहमान आने पर भी बना सकते हो। बहुत ही आसान और हेल्दी टेस्टी रेसिपी है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आएंगे और सब मांग मांग कर खाएंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी है। नाश्ता हमारी सीख गई है, कलर भी बढ़िया आ गई है, अब हम निकाल लेंगे। पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है। इसी तरह से सभी को रेडी करके ले लेंगे। हमारी रेडी है खाने के लिए। देखिए कितनी क्रिस्पी बना है, तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए वाह, इस तरह से सॉस के साथ खाइए, खाली भी खा सकते हो, चाय के साथ खा सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपकी नाश्ता की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नई हो और इसी तरह की आसान नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं। बाय।